हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी टिकी इंडिया की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया है 2022 में गेट रेडी फॉर सेशन 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेशन 4 आया हुआ है, ये टिकी गिल्ड जो चल रहा है उसी का सर्वे फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। चलिए मैं आपको बता दूं कैसे फिल करना है। उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको टिकी एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे, आप सबके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म जो ओपन होकर चलाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन हो जाना पड़ेगा। लॉग इन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों से बोला जाएगा आपका ईमेल आईडी फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ में आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से बोला जाएगा आप टिकी फैमिली गिल्ड में भाग ले रहे हैं, मतलब कि आप लोगों से बोला जाएगा कि आप टिकी फैमिली गिल्ड में जो है भाग ले रहे हैं या नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यस या नो। तो फाइनली अगर आप लोग यहाँ पे भाग ले रहे हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो आप लोगों से बोला जाएगा योर टिकी आईडी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप लोगों का टिकी का यूजर नेम है आप लोगों को यहाँ पे अपना यूजर नेम को फिल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पे टिकी का जो यूजर नेम फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है और नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से बोला जाएगा योर टिकी प्रोफाइल लिंक। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना टिकी का जो है प्रोफाइल लिंक यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है और नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों से बोला जाएगा योर व्हाट्सएप नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, पर उससे पहले आप लोगों को 91 लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 91 लिख दिया हुआ है और लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना जो है व्हाट्सएप नंबर को फिल कर देते हैं। आपका जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो चलिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर को फिल कर देता हूँ और सिंपली हम लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा जाएगा आपने फैमिली गिल्ड कैसे ज्वाइन किया, मतलब कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने फैमिली गिल्ड को कैसे ज्वाइन किया हुआ था। जैसे कि देख सकते हो मैंने खुद का टीम स्टार्ट किया और उसके बाद देख सकते हो मुझे फैमिली टीम लीडर्स ने इनवाइट किया वगैरह, यहाँ पे जो चीज़ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली मैं यहाँ पे जो है क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद का जो है टीम यहाँ पे जो है तैयार किया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है और दूसरे नंबर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बोला जाएगा दो नंबर में फैमिली टीम में होते हुए आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि आप लोगों से पूछा जाए कि आप टिकी फैमिली गिल्ड में होते हैं तो आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बोला जाएगा मैं ज़्यादा फॉलोवर्स ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है मैं ज़्यादा व्यूज ले सकता हूँ। उसके बाद देख सकते हो मुझे एक्स्ट्रा बोनस दूसरे क्रिएटर से सीख सकता हूँ। उसके बाद देख सकते हो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं बेस्ट टीम हूँ, मतलब कि आप लोगों को इसमें जो भी आप लोगों को ऑप्शन सही लगता है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो लास्ट वाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मैं लाइव स्ट्रीमिंग एक्सेस ले सकता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग नीचे आप लोग देख सकते हो कि तीन नंबर में लिखा गया है आप क्यों बेस्ट टीम बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे मेरे को तीन नंबर अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है मेरे टीम में मुझे खुद 7 मेंबर्स और फॉलोवर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीन नंबर वाले को सिलेक्ट करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको चौथे नंबर में आना है और चौथे नंबर में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों से बोला जाएगा फैमिली टीम रैंकिंग को कैसे रैंक करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टीम मेंबर्स ग्रोथ, उसके बाद टीम सपोर्ट, उसके बाद देख सकते हो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा टोटल स्टार रिव्यू। तो आपको जो भी इसमें से जो भी आप लोगों को ऑप्शन सही लगता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले टीम सपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ कि जब टीम के लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का रैंकिंग जो है फैमिली रैंकिंग बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पाँच नंबर में लिखा गया है कौन से बेनिफिट और प्रोग्रामेंट को इंक्लूड करना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों से बोला जाएगा
टीम मर्चेंडाइज मतलब गिफ्ट जो पैकेट जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गिफ्ट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और यहाँ पे स्पेशल ऑफिशियल इवेंट में जो भी होते हैं यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइव एक्सेस होना चाहिए। इसमें से जो जो भी आपको पसंद आता है उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को तीन ही चीज़ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तीन चीज़ जो चीज़ है मैंने को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ, आपको जो चीज़ भी यहाँ पे अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तीन चीज़ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगा था उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे दूसरे पेज पे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोगों को बोला जाएगा आप कौन, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया आप कौन टाइप के इवेंट का होना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा इवेंट जो है पसंद करते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो मैं सबसे ज़्यादा जो है वेटर मानता हूँ कि ऑफलाइन जो है इवेंट जो है वही बहुत ही बेटर होता है, तो मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन के दीवाने तो फाइनली आप लोग ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते। दो नंबर में लिखा गया है कौन से तरह के इवेंट मजबूत होते, मतलब यहाँ पे होते हैं, तो फाइनली आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करके आप लोगों को पसंद पड़ता है इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को ऑफलाइन अच्छा लगता है तो मैंने ऑफलाइन सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ पे आना है और तीन नंबर में देख सकते हो कि आप लोगों से बोला जाएगा सिर्फ फैमिली मेंबर्स के अलावा ऑफलाइन इवेंट सबको ओपन रहने चाहिए, यानी कि जो ऑनलाइन जो इवेंट है जो ऑफलाइन इवेंट है हर एक क्रिएटर्स को लिए होना चाहिए या केवल फैमिली मेंबर्स के लिए? तो मेरे को यहाँ पे तो और मेंबर्स के लिए होना चाहिए, तो फाइनली मैंने यस पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप लोगों को जो चीज़ भी अच्छा लगे यहाँ पे फाइनली आप लोग सेलेक्ट कर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो चार नंबर में बोला जा रहा है ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या चैलेंज है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो सबको एक प्लेस में इकट्ठा करना, तो आप लोगों को जो भी यहाँ पे अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को फर्स्ट वाला ही अच्छा लगा तो मैंने फर्स्ट वाला को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे की तरफ में आने के बाद यहाँ पर देख सो पाँच नंबर में बोला जाएगा ऑफलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करने में अच्छा सपोर्ट किया हो सकता है। तो यहाँ पर देख सो टिकी इवेंट ऑर्गेनाइज गाइडलाइन सपोर्ट, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ये सही है, ऑफलाइन इवेंट में जो है टिकी का जो है गाइडलाइन सपोर्ट जो है अच्छी होने चाहिए। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप सबके सामने फिर से एक दूसरा पेज जो है यहाँ पे ओपन होकर चला गया। यहाँ पे एक नंबर में है हमें बताइए कि आपको टिकी ड्रीम में टिकी फैमिली आपको एक आपको कैसा एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि टिकी फैमिली गिल्ड में जो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फाइनली उसके बारे में 50,000 पॉइंट्स में जो है आप लोग लिख सकते हो विश स्टोरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट सेशन के लिए आपको क्या प्लान है, मतलब कि आपका क्या प्लान है। यहाँ पर देख सो सेम टीम में रहना, उसके बाद देख सो दूसरा टीम ज्वाइन करना, उसके बाद खुद का टीम स्टार्ट करना, उसके बाद देख सो तो पार्टिसिपेट नहीं करना, मतलब कि यहाँ पर देख सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ खुद का दूसरा जो है यहाँ पे खुद का टीम में स्टार्ट करना। उसके बाद आप लोग देख सो कि नीचे की तरफ में आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे आप लोग सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से आप लोगों का फॉर्म जो है सबमिट हो जाए, तो फाइनली जो आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फैमिली फॉर्म को जो है सबमिट कर पाओगे। तो फाइनली यार वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको टिकी एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है इंटरेस्टिंग वीडियो दिखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियो को भी समाप्त।